डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरमेंट जो सिग्नल को डिस्प्ले तो हमने कर लिया, लेकिन मेजरमेंट कैसे करेंगे सिग्नल के एम्पलीट्यूड का, यानी कि उसकी हाइट का, फ्रिक्वेंसी का एंड फेज डिफरेंस का, और फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दोनों एक साथ आ जाएगी, यानी कि हाउ टू मेजर एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी एंड फेज इन ए CRO। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड और वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड एंड वोल्टेज मेजरमेंट हम जब करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्क्रीन देखते हैं, सीआरओ की स्क्रीन हमने एक बना रखी है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश। तो एग्जांपल हमने एक लिया हुआ है यहाँ पे, और एग्जांपल को में हमने क्या किया, एक सीआरओ की स्क्रीन ली हुई है, और सीआरओ की स्क्रीन पे एक सिग्नल को हमने दिखा रखा है, साइन वेव को, जो कि इस तरीके से वैरी कर रही है। इस सिग्नल को हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, जिसका कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरीके से हो रहा है, एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रहा है। और इसके लिए हमने सीआरओ की स्क्रीन पे दो नॉब होते हैं, जो कि एक इसकी वर्टिकल हाइट को कंट्रोल करती है, और दूसरा जो है वो कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल को कंट्रोल करता है, यानी कि एम्पलीट्यूड मेजरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें वर्टिकल कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, और इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट्स पर डिवीजन। ओके, तो वोल्ट पर डिवीजन का काम क्या होता है कि मतलब वोल्टेज को कितने डिवीजन, मतलब पर डिवीजन समझ रहे हो कि वोल्टेज कितने डिवीजन में डिवाइडेड है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। और उसको हम क्या करते हैं, कुछ मिली वोल्ट एंड वोल्ट में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। जब सीआरओ की स्क्रीन देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। हमने क्या किया, 1 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 5, 10, 20, 50 एंड देन कुछ वोल्टेजेस 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट एंड 1.25 वोल्ट तक हमने एक दिखा रखा है यहाँ पे। आप इसको सिंपली जो भी आप लेना चाहते हो तो इस तरीके से एक नॉब बना के, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि आपने 0.1 वोल्ट का ले रखा है, और यहाँ पे इस तरीके से नॉब आप दिखा सकते हो। तो ये इसको वोल्ट पर डिविजन, जो कि वोल्टेज के वर्टिकल डिफ्लेक्शन को गाइड करने के लिए वोल्ट पर डिविजन का यूज किया जाता है। सीआरओ की स्क्रीन है, सीआरओ की स्क्रीन को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं, ये स्क्रीन है। जनरली अगर मैं कोई भी डिफ्लेक्शन या कोई भी हमने यहाँ पे डिवीजन नहीं प्रोवाइड कर रखा, अगर ये कम्प्लीटली जीरो पे है, कम्प्लीटली जीरो पे, तो क्या होता है कि ये बिल्कुल बीचों बीच सिग्नल स्टार्ट होती है, और ये एक ब्लॉक जो होता है, ये बड़ा वाला ब्लॉक जो होता है, वो जनरली एक वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट एंड 4। और ये बड़ा ब्लॉक होता है, इसके अंदर में छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक, 5 ब्लॉक्स होते हैं, जनरली 1 वोल्ट 1 2। हमने क्या किया है, इसको थोड़ा कम में ले रखा है, लेकिन ये 5 भाग में डिवाइड होता है, 2 2 वोल्ट के, 0.2 0.2 के पार्ट में, 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.6 0.8 एंड 1। तो ये इस तरीके से होता है। चलिए अब हम लोग अब इसे एक सिग्नल को एग्जांपल के तौर पर ले लिया है, कि मान लिया कि ये एक सिग्नल है, इस तरीके से वैरी कर रही है, और ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में वैरी कर रही है। मुझे सिर्फ इस सिग्नल का क्या मेजर करना है, एम्पलीट्यूड, यानी कि ये इसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना है वो देखना है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं तीन तरीके से मेजर होगा, तीन टाइप का। एक तो पीक टू पीक वोल्टेज, सिर्फ पीक टू पीक का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। दूसरा पीक वोल्टेज, यानी कि सिर्फ जो है पॉजिटिव या निगेटिव डिफ्लेक्शन। तीसरा जो है वो होगा RMS वैल्यू। तो तीनों का जो है वो तीनों डिफ्लेक्शन जो है हम तीनों एम्पलीट्यूड, तीनों टाइप एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। आप देखते हैं कैसे मेजर करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि पीक टू पीक वोल्टेज मेजर करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक क्या मेजर करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है इसका। जैसे एक ब्लॉक को हम एक डिविजन मानते हैं, ये एक डिविजन, ये दो डिविजन, और इसको हमने मान लिया 0.2, है ना, 0.2। ये ऊपर की तरफ 2.2 और नीचे की तरफ 2.2, यानी कि टोटल डिविजन कितना हो गया, 4.4 डिविजन। ये इसको बोलते हैं नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन, टोटल कहाँ से कहाँ तक सिग्नल वैली कर रही है वो हम नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करते हैं, इनटू वोल्ट पर डिवीजन, यानी कि वोल्ट पर डिवीजन में ये नॉब जो है जिस पॉइंट पे होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.1 इस केस में। तो देखिए यहाँ पे 4.4 वोल्ट पर डिवीजन इंटू 0.1 वोल्ट पर डिवीजन, यानी कि 4.4 वर्टिकल डिवीजन है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और इंटू हमने 0.1 वोल्ट पर डिवीजन से हमने
क्योंकि इस नॉब को हमने रोटेट कर रखा है इस वैल्यू को 0.1 वोल्ट पे, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो सिग्नल हो जाएगी 4.4 × 0.1 यानी कि 0.44 वोल्ट, और अगर मिली वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो पीक टू पीक वोल्टेज जो है 440 मिली वोल्ट के बराबर है। तो मैं पीक टू पीक वे, लेकिन ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है। ओके, अगर मान लें कि अगर मैं यहाँ पे 0.2 पे कर देता, 0.2 पे, तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती, रिड्यूस हो जाती, यानी कि जो 2.2 तक जा रही है वो क्या हो जाती, ऊपर 2.2 तक जा रही है वो 1.1 तक जारी करती है। अब आते हैं पीक वोल्टेज में, तो पीक वोल्टेज कैसे निकालेंगे, जो पीक टू पीक हमने निकाल लिया उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमने 440 मिली वोल्ट मेरी इनपुट वोल्टेज की स्ट्रेंथ आई हुई जो इस पे सिग्नल दिखा रहा है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 440/2, एंड पीक वोल्टेज जो है वो 220 मिली वोल्ट के बराबर हो जाएगा। उस तरीके से आरएमएस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है वीआरएमएस इक्वल टू क्या होता है, पीक डिवाइड बाई अंडर रूट 2, तो पीक यानी कि 220/√2 एंड वी गेटिंग 155.56 मिली वोल्ट। तो ये हमारा तरीका हो गया वर्टिकल यानी कि हाइट या एम्पलीट्यूड और वोल्टेज मेजरमेंट करने का इन सीआरओ। अब देखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी एंड टाइम मेजर करने के लिए। ओके, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे दो नॉब होते हैं, तो पहला नॉब हो गया वोल्ट पर डिवीजन, एंड जो सेकेंड नॉब जो होगा वो होगा टाइम पर डिवीजन। तो इस केस में क्योंकि सिर्फ हमें टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ जरूरत पड़ेगी टाइम पर डिवीजन की, यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं, एक छोटा सा, वो है टाइम पर डिवीजन का। सीआरओ की स्क्रीन ऑलरेडी हमने बना रखी है, सेम स्क्रीन रखी है, हमने चेंज नहीं किया हुआ है इसको। और अब इसमें क्या करेंगे कि इसको मेजर कर, टाइम पीरियड मेजर करने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो तब भी मुझे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम पीरियड मेजर करेंगे। तो टाइम पीरियड मेजरमेंट में हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफ्लेक्शन हम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन है टोटल ब्लॉक के टर्म्स में, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हॉरिजॉन्टल डिवीजन इसको बोलते हैं। तो वन देखते हैं यहाँ पे, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन कितना है, 8 है, इनटू टाइम पर डिवीजन। तो टाइम पर डिवीजन में देख सकते हो कि ये इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड एंड मिली सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड हो गया, मिली सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड, इस तरीके से इस ऑर्डर में डिवाइड हुआ है। अभी जो मेरा जो नॉब है वो 1 मिली सेकेंड के ऊपर ये रखा हुआ है, रोटेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन इनटू टाइम पर डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पर डिवीजन में, एक डिवीजन में कितने टाइम को हमने मूव कराया हुआ है। एक डिवीजन को हमने 1 मिली सेकेंड टाइम से क्या किया, मूव करा रखा है। तो 8 डिवीजन × 1 मिली सेकेंड यानी टोटल कितना हो गया, 8 मिली सेकेंड। इसका पूरा टाइम पीरियड कितना हो गया, 8 मिली सेकेंड का। तो 8 मिली सेकेंड के ड्यूरेशन में ये 1 टाइम पीरियड कम्प्लीट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम पीरियड मेजर हो गया तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कर लेंगे। और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का तरीका क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड हमने आप लिख दिए 1/8 मिली सेकेंड, एंड 1/8 मैं करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 हर्ट्ज। ये हमारा तरीका हो गया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मेजर करने का, सिंपल। यानी कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड मेजर करना है तो नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन इनटू टाइम वोल्ट पर डिवीजन, एंड टाइम पीरियड मेजर करने के लिए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स इनटू टाइम पर डिवीजन, सिंपल दो फार्मूला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फेज डिफरेंस मेजरमेंट। फेज डिफरेंस मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 सिग्नल का होना जरूरी है, और दोनों सिग्नल जो है वो उसकी जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ फेज मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। तो फेज डिफरेंस मेजर करने का एक तरीका ये है कि फेज डिफरेंस इन डिवीजन इनटू डिग्री पर डिवीजन। क्योंकि डिग्री पर डिवीजन का कोई नॉब नहीं होता है तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, एंड फेज डिफरेंस इन डिवीजन को हम क्या करें, 2 सिग्नल लिए हुए हैं, एक सिग्नल यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और एक सिग्नल कुछ शिफ्ट के बाद स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों के बीच का जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है इन डिवीजन, इन ब्लॉक्स, बड़े वाले ब्लॉक्स के तौर पे, तो उसको हम देखेंगे। यानी कि जो 2 ब्लॉक्स के बाद ये स्टार्ट हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन जो है दोनों के बीच में डिफरेंस इन डिवीजन जो है वो कितना है, 2 का है। यानी कि 2 ब्लॉक्स या 2 डिवीजन के बाद दूसरी सिग्नल यानी कि रेड वाली सिग्नल जो है वो स्टार्ट हो रही है।
ओके ये फॉर्मूला हो गया फेज डिफरेंस एंड डिवीजन इनटू डिग्री पर डिवीजन। क्योंकि डिग्री पर डिवीजन मुझे नहीं पता है तो मुझे निकालना पड़ेगा डिग्री पर डिवीजन, यानी कि एक डिवीजन जो है वो कितने डिग्री प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये यहां से यहां तक जो सिग्नल है, पहले वाली सिग्नल ब्लैक वाले सिग्नल को कंसीडर कर लिए, दोनों सिग्नल क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल तो कंप्लीट करेगी करेगी, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद ये यहाँ पे 90 तक पहुंची, फिर इसको जो है माइनस 180 पे क्रॉस किया, फिर ये माइनस 270 तक गया और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 360 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में एक साइन वेव को क्या क्या कितना डिग्री कंप्लीट करती है, कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल नंबर ब्लॉक देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि जो 8 जो टोटल डिवीजन है, 8 डिवीजन वो कितने के बराबर है 360 डिग्री के बराबर है। तो मुझे क्या करना है पर डिवीजन निकालना है, एक पर डिवीजन कितने डिग्री बनेगी, तो एक डिवीजन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 360 डिवाइड बाई 8 यानी कि इसकी वैल्यू 360 डिवाइड बाई 8 के बराबर हो गई। इसको आप डिवाइड करके भी रख सकते हो या फिर एज इट इज यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो डिग्री पर डिवीजन की वैल्यू निकल गई, ये हमारा है डिग्री पर डिवीजन जो हमें चाहिए है ना। और नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ डिवीजन इन फेज डिफरेंस वो भी हमें पता कर रखे हम लोग, ये डिग्री पर डिवीजन को की वैल्यू जो है वो डिग्री पर डिवीजन, इसको हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं डिवीजन, ये डिग्री पर डिवीजन की वैल्यू हो गई 360 डिग्री डिवाइड बाई 8 और 2 डिवीजन जो है वो फेज डिफरेंस है इंटू 360 डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड कर देंगे 2 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा 4 एंड 4 से मैं अगर 360 को डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा 90, तो ये हमारा कितना डिफरेंस हो गया 90 डिग्री का। इट मीन्स दैट फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ सिग्नल इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी फेज एंड एम्पलीट्यूड इन CRO, यूजिंग CRO और एट द CRO स्क्रीन। ओके सो बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का, फिर भी अगर कुछ दिक्कत लगती है, कुछ डाउट लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, यू कैन आस्क मी, आई विल बी अवेलेबल एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। प्लीज सेंड मी द doubts and your queries and your feedback in the comment box. Thank you.